इस्तांबुल में आपका आखिरी दिन हो और बुर्सा की तरफ आप रवाना हो, तो आप अपना सबसे पहला स्टॉप क्या करेंगे? आपका मुझे नहीं पता, पर मेरा स्टॉप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके लिए तीन चीजें होना लाजमी है, एक लोकेशन, दूसरा स्टोरी और तीसरा एंडिंग, और ये तीनों हमारे पास है। चले आपको बताता हूँ वो क्या है। आज का जो सफर होगा वो लंबा नहीं है, है तो 44 किलोमीटर का, एक घंटे का सफर है, मगर और जो हमारी आज की लोकेशन है वो है ये। और इस लोकेशन को देख के तो आई थिंक मेजोरिटी पहचान गए होंगे, कुलडोस और उस्मान का सेट, ये हमारी लोकेशन है, मगर यहाँ की कहानी बाद में, तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, सबको सुबह बखैर एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। अच्छा जी, आज जो है आखिरी दिन है इस्तांबुल के अंदर, तो चलें सामान मैं लोड कर रहा हूँ, इतने सामान लोड करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अपार्टमेंट को बोलते हैं खुदाफ़िज़, इस्तांबुल को बोलते हैं फी अमान अल्लाह, और पहुँचते हैं हम अर्तुरुल गाज़ी और कुर्दुस उस्मान के सेट के ऊपर। ओके जी, अब यहाँ से जो है इस्तांबुल से हम निकल रहे हैं, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, गाते शम अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो अब जो है यहाँ से हम बेसिकली निकल रहे हैं। अच्छा स्टे था और शहर बहुत बिजी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो आई थिंक बेस्ट है यहाँ पे अगर आप ये इस तरीके से कोई भी कभी भी कहीं पे भी मुड़ जाता है। तो ये आपको देखभाल के यहाँ पे करना पड़ता है। अभी सीन हो गया था, मेरा बैग पैनियर गिर गया फिर से। जो नए हैं उन्हें नहीं पता, वर्जीनिया में मेरे साथ यही हुआ था। वीडियो की लिंक ऊपर लगी हुई है, चेक कर लिएगा। वो रियलाइज मुझे बाद में हुआ कि मैंने उसका हुक तो लगाया ही नहीं था, उसको लॉक ही नहीं करा, तो जब लॉक नहीं करा तो जरा सा एक्सेलरेट करा, वो पैनियर गिर गया। खैर होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, अल्लाह पाक ने बड़ी मुसीबत डाल दी छोटी मुसीबत में, तो विच इज़ वेरी गुड, सही वाली वजह तो ये यार। ये सेट जो है ये दुनिया के अंदर सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट है, मगर यूरोप का ये लार्जेस्ट पूरा सेट बना हुआ है, जो कि इनके प्रोडक्शन का है, विच इज़ फनॉमिनली अमेजिंग। इतनी बड़ी जगह के ऊपर है ये बुज़ार फिल्म इंडस्ट्री का जो है। तो अब इधर चल के पता करते हैं कि भाई इंट्री हमें मिल सकती है या नहीं, तो अब वो जो है हमें यहाँ से ही पता चलेगा, तो वो फाइंड आउट how does that work. Assalamu alaikum Gardesh, I'm trying to find out how do we get to see the set. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Houston, Texas. Yeah, I'm riding a motorcycle, I came for this. Muhammad Sikandar Khan. Nice to meet you. Pleasure meeting you. Turkey. Oh, you're from Turkey, yeah. Kardeş. Osman. Yeah. Okay. Pilotu gelmek için gelmiş. Tamam. O zaman tarif edelim, gönderelim. You go, please. Okay. Follow the road. Straight. To be safe. I am meeting. Yeah. 1.5 kilometer. To be continued. Okay, keep going. Security. Okay, security. Go. Okay, thank you. My friend? Yeah. Nerede? Okay, great. Okay, thank you. Jazakumullah khair. Thank you. Chale bhai, ab jo hai,
हम कुल्लू सुस्मान की साइड की तरफ जा रहे हैं, चलता रहे आगे आपको आ जाएगा। ओ ये स्पॉट मुझे याद आ गई ड्रामे में से, ये कौन सी स्पॉट थी? अच्छा जी, इसने बोलता है यहाँ पे जाने के बाद सिक्योरिटी वाला होगा, उसको थोड़े से टेक केयर कर देना। ओके हेलो, hey, came all the way from Texas to see the set from Houston, Texas. Yeah. You have to park in the back. Yeah. Where the thing is. Okay. Okay. You have to buy here. No problem. Okay, perfect. I'll do that. अच्छा जी, हम जो हैं इधर पहुंच चुके हैं सेट पे, और इधर का हमने टिकट ले लिया है। एक टिकट की प्राइस जो है वो 75 US डॉलर्स है, तो जो यहाँ पे आ रहा है इस चीज़ का ख्याल रखें कि $75 जो है वो इधर की एंट्री फी है। फिर आप यहाँ पे जैसे पीछे के साइड पर पार्क करते हैं और इनकी शटल जो है, शटल आपको लेके जाती है पूरे स्टेजेस वगैरह पे, वहाँ पे आप कॉस्ट्यूम वगैरह, हॉर्स राइड वगैरह हर चीज़ कर सकते हैं। तो चले अब जो है यहाँ से शटल के अंदर बैठते हैं और हम निकलते हैं। अब जो है हम बेसिकली जो इधर की शटल है उसके अंदर बैठ गए हैं, तो अब शटल जो है हमें लेके जाएगी। यहाँ पे शाम 5 बजे कोई शो होना है स्टंट वगैरह का, तो मेरा तो मूड नहीं, क्योंकि हमें तो फिर राइड करनी है बुरसा की तरफ, बुरसा जाना है। तो इनका स्टेज वगैरह जो है और साइड वगैरह वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है देखते क्या डिसाइड करते हैं, वहाँ पे पहले पहुँचे तो खैर। एनीवे इन्होंने पूरा वो पैम्फलेट्स वगैरह जो दे दिया, लेआउट बता दिया है पूरा, वो जो है हम वहाँ पे जाके देखेंगे। तो वंस अगेन इधर के जो चार्जेस है $75 का क्या नाम है फीस है, और फिर उसके बाद जो है आप वो टिकट देते हैं, शटल जो है आपको लेके जाती है उधर। अच्छा जी, अब जो है हम यहाँ पे आ चुके हैं, और अब बेसिकली मैं जो चलता जा रहा हूँ, जो खै ट्राइब था सामने उसकी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिकली उस्मान और क्या नाम है अर्तुरुल जो थे, जहाँ से एंट्री होती थी, तब वो आपको दिखाता है। लोकेशन का तो आपको पता चल गया, मगर अब वक्त है स्टोरी का। इस कहानी की शुरुआत होती है एनाटोलिया के रेगेट माउंटेन से, जहाँ पे अर्तुरुल और उसकी फैमिली रहा करती थी। वहाँ पे ये बकरियाँ चराया करते थे और वहाँ से इनकी ये शुरुआत हुई। मगर मेरे लिए इस कहानी की शुरुआत होती है कोविड के उन दिनों से, जब आप घरों से बाहर नहीं निकला कर सकते थे, और मैं नेटफ्लिक्स पे बैठा हुआ एक सीरियल देख रहा था, फिर मैंने देखा दर्लेश अर्तुरुल। दोनों उस्मान और दर्लेश अर्तुरुल के अंदर ये ही एंट्री पॉइंट हुआ करता था। ये यहाँ से जो है एंट्रेंस है इसकी, ऊपर लोग टिपिकली आपने देखा होगा खड़े हुए। ये यहाँ पे वो जो टेंट बने हुए थे खैमे, बेसिकली वो है इधर। दिलेश अर्तुरुल के फैंस जो हैं इस सेट को देख के फौरन से पहचान जाएंगे, क्योंकि उन्हें याद आ जाएगा कि अलादीन केकबत, सुल्तान अलादीन केकबत ने नोयान के साथ अर्तुरुल को निगोशिएशन के लिए मुगल जो मंगल्स थे उनके लीडर के पास भेजा था निगोशिएशन करने के लिए। अर्तुरुल के सीज़न के अंदर यहाँ से एंट्री हुआ करती थी और एग्जिट हुआ करता था। अगर आप लोगों को याद है तो वो बेसिकली इस जगह से एंट्री और एग्जिट हुआ करते थे। सुमान के सेट पे आए और ये ना करें हम भी आदत से मजबूर, थोड़ी सी और एक्टिंग करनी थी। पाकिस्तान पाकिस्तान तुर्किया जिंदाबाद कार्गेश दियो सुनोस ओरमाले बैले। ठीक है मान लिया ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, पर हंसने की तो जरूरत नहीं है आपको। इसको बोलते हैं ओवर एक्टिंग। क्या कभी आपने देखा है कि जो शख्स इतना पिटा हो फिर भी मुस्कुरा रहा हो? अखलोल खायो बस ना फांसा गया इसमें। चलें तो अब चलते हैं हम इनके मेन टेंट के अंदर, जहाँ पे
अतुल गाजी और क्या नाम है उस्मान भाई का जो शो था पूरा फिल्माया गया, तो लेट्स गो चेक कराओ। ve cümle hisar gibi hayır ülkedir. Deriz ki अब जो है हम इस टाइम पे दाखिल हो गए जो कि इनका मेन कास्टिंग रूम था जिसके ऊपर ये बैठते थे, और एक तरफ इनका जो है ये दूसरा हॉल है। तो लेट्स गो इन देयर। biz kudretimizi güttüğümüz davamızdan alırız ama asıl gücümüzü अब जो है हम कई बे के हेड क्वार्टर को जो उनका मेन होता है उसको छोड़ के हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट टेंट वगैरह देखते हैं और फिर वहाँ से हम निकलते हैं। आई थिंक दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। पीछे आप देख सकते हैं इधर ये पूरे खैमे बने में, विच इज़ वेरी नाइस, अच्छी जगह। तो चले हैं, अभी वो देखते हैं। अब जो है कई वाले के इलाके को हम छोड़ के इस टाइम पे सूद की तरफ जा रहे हैं, फिर आपको जो है वहाँ पे जो कैसल है वो भी दिखाते हैं। जो ड्रामे के कैरेक्टर थे गुनकुत वो मेरे साथ है इस टाइम पे, तो वी आर गोइंग देयर। तो चलो वो देखते हैं। ये जो है सूद की एंट्रेंस है बेसिकली थबस्यन, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ओके, इट केम अंडर द रूल ऑफ द सेल्जुक स्टेट आफ्टर द वॉर विद Beyazıt'ın during the period of Ertuğrul Gazi, the Seljuk Sultan awarded Ertuğrul Gazi because of his success here the right to the horn in Söğüt and surrounding lands too. So basically, ये पहला शहर था जो कि Ottoman Empire ने अपना सेटअप करा था उस्मान गाजी के नाम के, अर्तुरुल गाजी ने, और फिर उसके उस्मान गाजी ने इसको कैरी ऑन करा, जो कि अब हम जो है उसके अंदर उसका जो लेआउट है ओरिजिनल वो ये दिखाने का यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। तो लेट्स गो चेक कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगी तो ये जो मस्जिद है ये भी यूटिलाइज करी गई थी, इसके ऊपर जो थे फ्लैग लगे हुए होते थे, उधर से एंट्रेंस होती थी। तो वेरी नाइस, आई थिंक दिस वाज द वो जो होटल का होता था। यप, या दिस वाज दैट यप वी आई वाज फॉलो द व्हाट वाज हिज नेम starts with the D. I know what you're talking about. In season 2, 3. Mm-hmm. Season 3. So now we are saying goodbye to Sooth and going to the next location. चले आपको अगली location दिखाते हैं। And they first of all Bakos and Celalettin ise we're gonna win and he went and he take the all the other armies and I mean also he take the all around to the Harizm Shah, they take to the people, they won against Mol, but they take from Mol one white horse. Okay. Then they was fighting each other about the horse. Okay. And then one of them army, then one of them the team is gone. Just for one horse, they lost the the war. Just over one horse. अब जो हम हैं यही शहर के अंदर जा रहे हैं, और वहाँ पे जो है जो गढ़ बना था उस्मान कुरलुस उस्मान में वो देखने के लिए, तो चलें वो आपको दिखाते हैं। ये हम आ गए यानी शहर के एंट्रेंस के ऊपर, रहे ये उस्मान का जो घर था ओरिजिनल पैलेस। यस, सो ये उस जगह पे थे। यप, आई लव यू, this is a beautiful place. Yes, we have to sit in making shisha. Yeah. ye wo agar aap logo ko yaad hai from here upar jaake na basically turn around karke wo lamba dikhate the aur fir us ke andar wahan pe jaate the
अमेजिंग यार, जबरदस्त सेट बना हुआ है, बहुत प्यारा है शहर। Welcome to the Osman Creator Map. We are doing all together now toy. We will talking with Osman Bey in what we're gonna do. He will give to us the how would you say order. Yeah. Order. This is like that. Amazing. Which position we have to do? For example, he was controlling all this in this house, everything. तो अब जो है हम बेसिकली उस्मान भाई के घर के अंदर हैं और ये वो जगह है जिसके अंदर उस्मान भाई अपना बेसिकली सारे ऑर्डर्स और जो भी एक्टिविटीज थी वो करा करते थे, इधर से ऑर्डर देते थे अपने कैपिटल को कंट्रोल करने के। तो ये अगर कुर्लस उस्मान आपने देखा है तो दिस इज द स्पॉट, तो ये वो स्पॉट है। तो चले आपको और दिखाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई विजिटर आता था तो उधर से चलता हुआ इधर एंट्री करता था। Too much work in here. It's too much. It's not easy. In 10 years we did here. Yeah. 10 years. तो 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। Amazing. Yes. इस साइड से भी एंट्री थी दरवाजे की, जो यानी शहर के अंदर एंट्री होती थी। बेसिकली यानी शहर के अंदर आने के लिए ये दरवाजा इस्तेमाल कर रहे थे। यार वैसे हटो पर जो सेट इन्होंने बनाया हुआ है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है इस जगह पे आने का। हालांकि मेरा इरादा जो था बड़ा शॉर्ट टाइम का था, बट एंड अप स्पेंडिंग पूरा दिन ही यहाँ पे स्पेंड हो गया। तो अभी दो तीन जगहें और देखनी है, फिर उसके बाद जो है आगे चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको भी पसंद आ रहा होगा। तो ऑफकोर्स अर्तुरुल गाजी और फिरदौस उस्मान, इतना फेमस ड्रामा है दुनिया के अंदर, कौन नहीं देखना चाहेगा उसका पूरा सेट। तो मैंने सोचा कि जब तुर्की आए हुए हैं तो इनका ये जो सेट है मैं मुझे आपको दिखाना चाहिए और आई थिंक आप लोग एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। तो अब जो है हम चलते हैं अगली जगह पे, तो लेट्स गो। अच्छा जी, तो अब ये पूरा टूर करके हम इधर आ चुके हैं, अब थोड़ा चाय शाय पियेंगे और फिर जो है यहाँ से हम बुरसा निकलने ही करेंगे। चाचा जान का तो बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा है। चाचा जान बोल रहा है कि मैं तो एक एक पत्थर बदल के देख लूँ, वो समझ रहे हैं कि वो मैं जो हूँ ना बस इधर ही आ गया हूँ। ये जो मुगल के था उस्मान बे ने करा था, ये समझ रहे हैं कि मैं उसी जगह पे आ गया और उस्मान बे की जो पूरी कार्रवाई है ना बस वो मैं देख के जाऊंगा। ए वाला। हाँ, तो ये अभी ए वाला करते फिर रहे हैं। मुझे लग रहा है इनको ये बताना भूल गया कि भाई ये सेट है, ये असली जगह नहीं है, बंदा हाँ ड्रामे वाला है। तो खैर अब जो है थोड़ा चाय शाय पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। पैदल चल चल के ना हालत हो गई टाइट, तो थोड़ा सा कोई ठंडा हो जाए ना तो सुकून आ जाएगा। तो चले, अगर आप शुरू से हमारे साथ हैं तो आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में तीन चीज़ें मेंशन करी थी, लोकेशन, स्टोरी और एंडिंग। और इनमें से हमने दो चीज़ें कवर कर ली, लोकेशन और स्टोरी। अब टाइम है एंडिंग का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक यहाँ पे बने रहे हैं तो आप ये एंडिंग भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये एपिक होने जा रहा है। Ol deyince olduranın, gönlümüzü imanla dolduranın, 99 adıyla, Bismillahirrahmanirrahim. Ey maşallah!
Yeah.